आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना, देश के किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो बिहार सहित इन राज्यों में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून के भारत के कई हिस्सों से विदा होने के बावजूद दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हुई है। वह दक्षिणी अरब सागर में बने एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र और बादल फटने की छोटी घटनाओं को इस बारिश के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वही मौसम विभाग की माने तो दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और केरल से लेकर बंगाल तक बारिश की संभावना जताई गई है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक ट्रिपरेखा मध्य उत्तर प्रदेश पर बने चक्रवर्ती हवा से होते हुए बिहार के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े चक्रवर्ती हवा के क्षेत्र तक फैली हुई है। इसके साथ ही एक ताजा पश्चिम विक्षोभ 22 अक्टूबर से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पश्चिम हिमालय के इलाकों में यहाँ पर 23 अक्टूबर को ये सक्रिय हो जाएगा। वही इसके कारण भारत के आसपास के जो मैदानी इलाके हैं, पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिणी कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु कुछ हिस्सों और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं गंगी पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार के शेष हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्से और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मानसून की विदाई के बाद मूसलाधार बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिवाली से पहले ठंड की शुरुआत यहां पर होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 15 नवंबर से तो कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। वही दिवाली के त्यौहार से पहले सुबह और शाम के वक्त सर्दी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 15 नवंबर तक अच्छी खासी बारिश के कारण अब ठंड पड़ना यहाँ पर शुरू हो जाएगी। यानी 15 नवंबर तक तो अच्छी खासी ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। फिलहाल दीपावली तक हल्की सर्दी ही यहाँ पर पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने के चलते मानसून जाने के बाद इतनी अधिक बारिश यहाँ पर इस बार दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि सामान्य तौर पर अक्टूबर और नवंबर में इतनी अधिक बारिश नहीं होती है, लेकिन बारिश के कारण ये जो बारिश हुई इसका कारण वातावरण में अधिक नमी आई है। इस बारिश के कारण यहाँ पर दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में से केरल और उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं इसी बारिश के कारण दिवाली के त्यौहार से पहले सुबह और शाम के वक्त सर्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं कश्मीर में मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं कश्मीर में अब ठंड शुरू हो गई है। कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है जिससे मौसम यहाँ पर ठंडा हो गया है। कश्मीर के कई ऊपरी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद पहाड़ों पर बर्फ देखी जा रही है। वह बारिश के होने के बाद अमरनाथ के दरबार में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जो जिला इलाके में और आसपास के इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद पूरे कश्मीर में ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर तेजी से यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे इस माह के अंत तक यहाँ पर मौसम ठंडा इस इलाके में हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम समाचारों की। तो राजस्थान में 23 और 24 को सक्रिय होगा नया पश्चिम विक्षोभ। राजस्थान में मौसम का बदलाव जारी है। वही सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास लोगों को यहां पर होने लगा है और अधिकांश घरों में एसी, कूलर वगैरह सब कुछ बंद हो गए हैं। वही प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से भी कम यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में दो दिन तक यहाँ पर शुष्क रहेगा, उसके बाद बारिश होने की संभावना है। वही 23 तारीख से यहाँ पर राजस्थान में एक नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव के कारण
पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ के इलाके में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और चूरू, सीकर और यहाँ पर इन जिलों में यहाँ पर बारिश की संभावना जताई गई है। 23 अक्टूबर को इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ बारिश की प्रबल संभावना है। वह इस दौरान यहाँ पर आकाशीय बिजली चमकने और मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती है। हवा की जो स्पीड है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के आसार है। वही 24 अक्टूबर को भी राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं 25 अक्टूबर को सिस्टम का असर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वही तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट यहाँ पर होगी। वही मौसम विभाग ने इस मौसमी तंत्र के मध्य किसानों को यहाँ पर इसको देखते हुए किसानों के लिए यहाँ पर कुछ सलाह यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। वही मौसम विभाग की ओर से जो सलाह दी जाती है उसमें कहा गया जो फसलें जो पककर तैयार है उन्हें भीगने से बचाने के लिए उचित प्रबंधन करें। वही कृषि मंडियों और खेतों में खुले आसमान में रखे अनाज को भी यहाँ पर भीगने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की संभावना यहाँ पर लोगों को यहाँ पर हिदायत दी गई है, किसानों को हिदायत दी गई है। वही प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान की इस वक्त बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री उदयपुर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर का 36.8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। उससे कम तापमान है जोधपुर का 36.3 डिग्री। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की तो बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने किया है जारी। बिहार के मौसम में बदलाव के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वही बुधवार को पटना व आसपास के इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश होने के यहां पर कारण लोगों को राहत मिली है। वही मौसम विभाग ने आज भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। वही मौसम विभाग के माने तो प्रदेश में उत्तर मध्य और उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में एक दो स्थानों पर बिजली चमकने और मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वही किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल आदि जगहों पर भारी वर्षा की संभावना भी जताई गई है। वही मौसम विभाग ने पटना, सिवान और सारण समेत कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई है। वही कल भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी। आपको बता दें कि इस वर्ष मानसून बिहार पर खासा यहाँ पर मेहरबान रहा है, फिर भी पिछले साल के मुकाबले इस बार बिहार के अंदर कम बारिश हुई है। वही मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो एक कम दबाव का क्षेत्र बिहार के ऊपर बना है, दूसरा एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से बिहार होते हुए सीमावर्ती जगहों पर होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव के कारण कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वही रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण प्रदेश में तापमान में यहाँ पर अब असर पड़ने दिखा शुरू हो गया। सबसे अधिक तापमान बक्सर का 32 डिग्री आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। वही गया का अधिकतम तापमान 30 और भागलपुर का 29 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही बारिश का सिलसिला भी एक दो दिन यहाँ पर बिहार के अंदर और भी जारी रहने की संभावना है। वही पिछले 24 घंटों में कटिहार और मनिहारी में यहाँ पर जो मनिहारी है वहाँ पर 112 mm और माधेपुरा के सिंगेश्वर इलाके में 88 mm और खगड़िया में 88 और भागलपुर में 44.5 और जहानाबाद में 44.2 और दरभंगा के हायाघाट में 82 mm बारिश रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में की गई है। वही बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की तो झारखंड में आज बारिश से राहत मगर ठंड ने राजधानी में दी है दस्तक। झारखंड के कई इलाकों में यहाँ पर बुधवार सुबह मौसम सामान्य रहा। वही आसमान में हल्के बादल यहाँ पर दिखाई दे। वही सुबह 7:30 बजे शहर का तापमान 21 डिग्री के आसपास यहाँ पर कल दर्ज किया गया है। वही आर्द्रता 94% के आसपास थी। इसके साथ ही आज 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवा यहाँ पर चल रही है। इसे सुबह के वक्त ठंड का एहसास आज हो रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज रांची समेत आसपास के इलाकों में हल्के आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में एक दो स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी दर्ज की जा सकती है। साथ ही दिन में अधिकतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वही राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के इलाकों में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आया चक्रवात अब कम दबाव के क्षेत्र से यहाँ पर क्षेत्र बनकर बिहार, झारखंड के सटे इलाकों के ऊपर बना हुआ है। इसका ट्रप लाइन अभी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इसका असर से अब यहाँ पर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वैसे इन दिनों में लेस मार्क्ड स्टेज में ये पहुंचकर बहुत कमजोर पड़कर खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि इसके कारण झारखंड सहित पूरे गंगीय जो गंगा के मैदान इलाके हैं वहां पर ठंड की शुरुआत हो गई है।
वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य के मौसम में यानी बारिश की बात करें तो प्रदेश के अंदर सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान कई कई भारी बारिश भी यहां पर झारखंड के अंदर दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश साहिबगंज में 125 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सतगांव में 85 और मसनजोर में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मोरा में और राजमहल में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान साहिबगंज का 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम चाईबासा का तापमान, जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर चाईबासा का 21 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश के मौसम में होने लगा है परिवर्तन। बारिश के बाद अब ठंड में हुआ है इजाफा। मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होते ही बारिश का दौर अब थम गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में केवल कुछ ही जिलों में बौछारें देखने को मिली है। वहीं आज कुछ इलाकों में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हवा का रुख उत्तरी होने से दो दिन बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से नीचे पहुँचने की संभावना है। ये ठंड की शुरुआती दस्तक मानी जा सकती है। वही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वेदर सिस्टम के एमपी से यूपी की ओर रुख करने के चलते वातावरण में नमी यहाँ पर हो रही है और बारिश की गतिविधियां में कमी आने लगी है, जिसके चलते वर्तमान में हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पश्चिम हो रहा है। वही तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वही कल खंडवा, खैरगोन, उज्जैन में तापमान 32 डिग्री के आसपास और मंडला में 27 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। वही पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वही कल होशंगाबाद के कुछ इलाकों में बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और मध्य पश्चिम बंगाल में आज बारिश होने की संभावना है, चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बिहार में आज भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की बात करें तो एमपी में लगातार तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज यहाँ पर की जा रही है। वही तापमान में कुछ इलाकों में बढ़ोतरी, कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही मध्य प्रदेश में तापमान में गिरावट यहाँ पर होने के कारण प्रदेश में ज्यादातर इलाकों में ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठंड के कारण लोगों को यहाँ पर दो चार होना पड़ सकता है।